नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गोरखपुर आ रहे हैं और वो खाद कारखाना और एम्स समेत 100 अरब की परियोजनाओं का लोकार्पण आज करेंगे। पीएम फर्टिलाइजर परिसर में लोकार्पण के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सोमवार की शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा भी लिया। सीएम ने कहा कि जनसभा में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुविधा का ख्याल रखा जाए। सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थल पर बीजेपी पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकर बिंदुवार समीक्षा भी की और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ रैली में आने वाले विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों और आमजन की सुरक्षा की भी चिंता करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए मंगलवार का दिन इतिहास रचने वाला है, इसकी भव्यता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री 100 अरब की परियोजनाओं का तोहफा देंगे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का मील का पत्थर बनेगा। वहीं मेरठ में समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन की पहली रैली आज होने जा रही है जो दबधुबा में होगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी हेलीकॉप्टर से एक साथ पहुंचेंगे और रैली में भीड़ जुटाने के लिए दोनों दलों के पदाधिकारी 3 दिनों से मेरठ में पहले ही डेरा डाले हुए हैं। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को यूपी में घोषणा पत्र कमेटी और कैंपेन कमेटी के साथ बैठक में विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा की और इस दौरान उन्होंने जनता की राय से तैयार किए गए घोषणा पत्र को अंतिम रूप भी देने पर चर्चा की है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों, महिलाओं, व्यापारियों, वंचित वर्गों समेत सभी तबकों की आवाज को जगह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यूपी कांग्रेस का घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश की प्रगति का रास्ता तैयार करने वाला दस्तावेज होगा, यानी कि सीधे तौर पर चुनावी तैयारियां पूरे तरीके से शुरू हो चुकी है और तमाम जो चुनावी पार्टियां हैं, तमाम सत्ताधारी और विपक्ष की पार्टियां जो है वो लगातार कोशिश कर रही हैं और अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। तो 100 अरब की जनता को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि 100 अरब की सौगात जनता को दी जाएगी आज। एक साथ मंच पर पहुंचेंगे अखिलेश और जयंत चौधरी। इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस की भी चुनावों को लेकर तैयारियां पूरे तरीके से तेज हो गई हैं और कांग्रेस लगातार घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रही है, जिसकी ओर कदम भी बढ़ा लिया गया है। कल इसको लेकर बातचीत हुई और यूपी में अब चुनावी रण में नेताओं ने दौड़ लगानी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी आज गोरखपुर आ रहे हैं और 100 अरब की जनता को सौगात पीएम मोदी देंगे और इसी सौगात से कहीं ना कहीं जनता को साधने का भी प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। यूपी के चुनावी रण में नेताओं की दौड़ में लगातार तमाम जो नेता है वो आगे हैं और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो यूपी का रण है उसको साधा जाए और किस तरीके से सत्ता में वापसी की जाए। सत्ताधारी हो या फिर विपक्ष हो, लगातार सत्ता में वापसी करने को आतुर है और इसी को लेकर लगातार ये बैठकें और ये तमाम दौरों का दौर जारी है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी उत्तर प्रदेश आ चुके हैं कई बार और अब एक बार फिर से आज उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और जनता को साधने का प्रयास आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा तमाम विपक्षी जो दल हैं वो भी अब जनता को साधने की कोशिश में जुटे हैं। चाहे आप बात सपा की कर लीजिए जो फिलहाल मुख्य विपक्ष के रूप में इस समय उभरी है उत्तर प्रदेश में। सपा और तमाम छोटे दलों से सपा ने गठबंधन किया है और उसी गठबंधन के बाद सपा और आरएलडी नेता जयंत चौधरी आज एक साथ दोनों मंच पर मौजूद होंगे और एक साथ जब मंच पर मौजूद होंगे तो वो जो नज़ारा होगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि दोनों ही अहम नेता हैं विपक्ष के और दोनों आज एक साथ एक मंच पर होंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि एक मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए चुनावी आगाज भी करेंगे। सपा जो है उसने ये साफ कर दिया है कि इस बार तमाम छोटे दलों से जो सपा है वो गठबंधन करेगी, किसी भी मुख्य दल से गठबंधन नहीं किया जाएगा। छोटे दलों को एकत्रित करके बीजेपी को हराने की कोशिश की जाएगी। इसी को लेकर सपा जो है वो तमाम छोटे दलों के साथ गठबंधन करने में जुटी है, जिसका आरएलडी के साथ गठबंधन हो चुका है और हालांकि सीट शेयरिंग पर अभी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन गठबंधन हो चुका है और इसी गठबंधन को लेकर आज
पहली रैली जो है वो आयोजित होने जा रही है। ये रैली मेरठ में होगी और मेरठ में जो तरीके से लगातार सियासी समीकरण बता रहे हैं कि बीजेपी का वर्चस्व बना हुआ है, उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए और सपा का वर्चस्व बनाने के लिए आज की ये रैली काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि खुद जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक साथ मंच पर मौजूद होंगे। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि राजपूत न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, फिलहाल जिस तरीके से तमाम समीकरण जो बन रहे हैं, जिस तरीके से आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, कल कांग्रेस ने भी बातचीत की और घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है, और आज ही सपा और RLT का जो गठबंधन है वो एक साथ मंच पर दिखेंगे, किस तरीके के समीकरण आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में? मुस्कान, जो ये समीकरण है और ये जो चुनाव है विधानसभा का, ये बड़ा ही दिलचस्प है। पहली चीज तो हम आपको ये बता दें, एक तरफ पीएम मोदी पहुंच रहे हैं गोरखपुर, जहां वो 10,000 करोड़ का सौगात देने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मेरठ में RLD और सपा की साथ में एक रैली है और जनता को पश्चिमी यूपी को साधने की पूरी तरीके से इनकी कोशिश होगी। और अब हम बात करते हैं कुल मिला के गोरखपुर की, तो गोरखपुर 12:30 बजे PM पहुंचेंगे और उसके बाद CM योगी के साथ रैली स्थल पर पहुंचेंगे, और सबसे पहले वो 10,000 करोड़ की सौगात देंगे जनता को, यानी कि ये सौगात से पूर्वांचल को साधने की पूरी कोशिश है कि पूर्वांचल की जनता, उसके बाद वो रैली स्थल पर पहुंचेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। और इधर दूसरी तरफ जहां मेरठ में RLD और सपा दोनों एक साथ पहली बार ये मंच पे आ रहे हैं, वही 36 सीटों को लेकर इनके समझौते हुए हैं कि RLD को सपा सिर्फ 36 सीट देगी और जो पश्चिमी यूपी है उसको साधने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है, पहली चीज। सेकेंड चीज ये कि मुस्कान, जो पश्चिमी यूपी है किसान बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे किसानों की जनसंख्या ज्यादा है और लगातार किसान धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, ये आपको पता है हर तरीके से। तो इस रैली के द्वारा ये पश्चिमी यूपी के जो किसान है और इसके अगल बगल के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे बुलंदशहर है, चाहे मुजफ्फरनगर है, चाहे गाजियाबाद है या फिर और भी कई जिले हैं, यहाँ की जनता को पूरी तरीके से इकट्ठा करना और RLD को जिताना, उसके बाद सपा की सरकार बनाना इनका मेन मकसद है। मैं तमाम जानकारी आपसे लेते रहूंगी, बने रहिए आप हमारे साथ, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो मेरे सहयोगी न्यूज रूम से रवि मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी, शुरुआत एक बार फिर से करते हैं, जिस तरीके से समीकरणों की आप बात बता रहे थे, मैंने आपको बीच में रोका, आप अपनी बात पूरी करें। और मुस्कान, सबसे बड़ी चीज, जैसे आपने समीकरण पूछा, तो समीकरण का मेन मुद्दा इनका यही है कि इधर RLD और सपा कोशिश कर रही है तो उधर बीजेपी अकेले दम पर कोशिश करे, क्योंकि पता है कि सीएम योगी हमेशा अपने कामों को लेकर, अपनी जो उनकी छवि रहे उसको लेकर वो हमेशा दावे करते रहे कि इस बार 2022 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें हम अपनी सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी कम नहीं है, प्रियंका गांधी अब महिलाओं को लेकर एक और घोषणा कर रही हैं, उन्होंने कहा है कि अब हम जो 5 करोड़ महिलाएं जो यूपी में हैं उन महिलाओं को लेकर अभी मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, इस घोषणा की थी, लेकिन उसे लेकर अब वो एक नया घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। अब उसमें वो क्या क्या शामिल करेंगी महिलाओं के लिए, ये बड़ी बात होगी। यानी हम ये कहा जाए कि जो यूपी की राजनीति है मौजूदा वो बहुत ही चरम पर है, क्योंकि आने वाले 2-4 महीनों में चुनाव है और चुनाव के दौरान उसके पहले ये पार्टियां सोचेंगी कि हम कितना वोट बैंक अपने खाते में जोड़ लें, पहली चीज। और अब रही बात, जो आज पीएम मोदी गए हैं गोरखपुर, और गोरखपुर में जिन परियोजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे उससे जनता को लाभ क्या होगा और उसके बाद वोट बैंक उनका क्या बनेगा, सबसे बड़ी चीज की, पहली चीज मुस्कान की, वो एक उर्वरक फैक्ट्री है जो कि गोरखपुर यानी पूर्वांचल के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा उस फैक्ट्री से जो गोरखपुर में, और उसके बाद एक एम्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो अगर कहा जाए तो इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और वहां के जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बहुत ही बेहतर। तो ये बात रही बीजेपी के समीकरण फिलहाल बेहतर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन बात अगर सपा की करें तो सपा इस समय मुख्य विपक्षी रूप में उभर रही है, मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में सपा उभरी है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से चाहे कोरोना काल है चाहे किसान आंदोलन है, मुखर होकर जिस तरीके से सपा ने अपनी बातें रखी है, सपा मुख्य
विपक्ष के रूप में उभरी है। अब जिस तरीके से छोटे दलों के साथ सपा ने गठबंधन किया है, आरएलडी की बात ले लीजिए, इस तरीके के जब दलों के साथ गठबंधन किया है तो क्या वाकई छोटे दलों के साथ गठबंधन करके बीजेपी को टक्कर दे पाएगी सपा? बिल्कुल बिल्कुल मुस्कान, जैसे आपने कहा कि सपा मुख्य विपक्षी पार्टी है यूपी में, तो उसके साथ आप पहले, इसके पहले जब 2019 में या फिर 2014 में आपने देखा होगा कि सपा जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं या फिर बड़ी पार्टियां उनके साथ गठबंधन में थी, लेकिन इस बार सपा ने स्थानीय जो पार्टियां हैं, जो स्थानीय, चाहे आरएलडी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सोहेल दोस्त समाज पार्टी हो, इनको लेकर जो स्थानीय पार्टी है वो रणनीति बना रही है, क्योंकि सपा को यह पता है कि अगर हमें सत्ता पर काबिज होना है तो हमें हर जिले के छोटे कस्बे गांव तक जाना होगा, और गांव तक जाने का एक ही चारा है कि वहां की जो स्थानीय पार्टियां हैं उनको अपने साथ आप शामिल करिए। तो इसी वजह से सपा पूरी तरीके से इस राजनीति को, यानी कहा जाए कि बीजेपी की राजनीति को भी बहुत अच्छी तरीके से पहचानने में सक्षम हुई है। और दूसरी चीज, जैसे ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, उनका हमेशा यही कहना होता है, इस बार जो लोकल पार्टी हैं, जो छोटी पार्टी है, उनके साथ सपा की सरकार बनेगी, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी स्थानीय, कई छोटी ऐसी पार्टियां हैं जिनको लेकर बीजेपी भी अपने पार्टी में लेकर आगे की रणनीति तय करेगी, लेकिन सपा ये जो छोटी छोटी पार्टियां इनको लेकर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमारे साथ जनता का जनाधार है, हम जनता के जनाधार के साथ ही हम बीजेपी को हराएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। ये बात ठीक है, लेकिन कांग्रेस को आप कहां देखते हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में तो सपा ऊपर आई है और सपा ने तमाम छोटे दलों के साथ गठबंधन भी कर लिया है। अब बात अगर करें उत्तर प्रदेश में तो बचती है एक कांग्रेस और एक बसपा, जो बीएसपी है उसका अभी इतना जनाधार देखने को ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि खुद जो जिसके कुछ ही विधायक रह गए हैं वो पार्टी का जनाधार नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार जिस तरीके से सक्रिय है, खुद प्रियंका गांधी लगातार महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही हैं, इसको लेकर क्या कुछ समीकरण कांग्रेस की ओर से बन सकते हैं? बिल्कुल, कांग्रेस इस समीकरण, अगर यूपी के समीकरण की कांग्रेस की बात की जाए मुस्कान, तो यूपी के समीकरण में कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को टारगेट कर रही है। जिस हिसाब से प्रियंका, अभी प्रियंका दो एक दिन पहले मुरादाबाद में रैली की थी तो वहां अपना ससुराल बताई थी और जनता से ये कही थी कि हम यहाँ के बहू हैं और हमें वोट करें, एक बार बहू के चुने, या फिर यूपी के और भी जिलों में जब प्रियंका जाती है तो वहां की बेटी बताती है और कुछ जिले ऐसे हैं जहां की वो बहन बताती है। तो कुल मिला के कांग्रेस को यह पता है कि हमारे साथ किसी भी जाति धर्म मजहब की हम राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और सपा जाति धर्म की राजनीति करने में संलिप्त है, लेकिन कांग्रेस को जगह ही नहीं मिल पा रही है यूपी में कि हम जाति धर्म की राजनीति करें, तो इसी वजह से वो महिलाओं की राजनीति लेकर आई है सामने, पहली चीज। सेकेंड चीज, अब कांग्रेस को यह लग रहा है कि हम अगर महिला को अपने साथ रखने में सक्षम हो पाए तो हम यूपी में जरूर तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी बन जाएंगे। ये बात तो देखिए देखनी होगी कि महिलाओं के नाम पर, महिलाओं के आधार पर क्या वाकई कांग्रेस अपना जनाधार बना पाएगी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनावी रण लगातार गंभीर होता जा रहा है, इसी को लेकर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सी के ठाकुर जी हमारे साथ नेता कांग्रेस से मौजूद हैं, राहुल आनंद जी हमारे साथ नेता बीजेपी से मौजूद हैं और कीर्तिनिधि पांडे जी हमारे साथ प्रवक्ता एसपी से सपा से मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले मैं बीजेपी से राहुल आनंद जी आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और इतने ज्यादा परियोजनाओं का आज वो जिस तरीके से जनता को सौगात देने वाले हैं, ये चुनावी जो दौर है इसी समय में आपको ये तमाम योजनाएं याद क्यों आती हैं, ये मैं समझना चाहूंगी आपसे। मुझे 3 से 4 मिनट का वक्त दीजिएगा ताकि मैं आपके सारे सवालों का उत्तर दे सकूं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कामदार और नामदार से। हमने जब से सत्ता हासिल की है तब से हमने कामों पे ही ध्यान दिया है और विपक्ष ने हर वक्त विपक्ष ने अपनी उच्च मानसिकता का परिचय दिया है और बार बार सरकार के कार्यवाही में उन्होंने रोड़ा डाला है। तो एक तो वहां से भी स्पष्ट होता है कि हम में कितनी ताकत है और हम कैसे देश की और प्रदेश का विकास कर सकते हैं। दूसरी बात, जब से ये सत्ता आई थी और जो 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 बात हमने मैनिफेस्टो में डाला था उसका हम लोगों ने लगभग 90% तक के कार्यों को निष्पादन कर लिया है। तीसरी बात यह है
कि आपने एक अहम सवाल की जिसमें आपने इस बात को कहा कि जब भी चुनाव आता है तो आपको क्यों इस चीज को याद आता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आचार संहिता लगने से पहले कहीं भी कोई भी नेता किसी भी की सरकार हो वो वहां जाकर अपने कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकती है, शिलान्यास कर सकती है। दूसरी और चौथी अहम बात यह है कि जो रिकॉर्ड तोड़ जो लक्ष्य को प्राप्त किया गया है पांच साल के अंदर, यानी कि 4.5 साल के अंदर में जितने रिकॉर्ड तोड़ लक्ष्यों की प्राप्ति की गई है, ये दिखाता है कि हमें कितनी क्षमता है और कितनी एनर्जी के साथ हमने अपने कामों का निष्पादन किया है। और जो आज सौगात मिलने वाली है प्रदेश की जनता का, तो आज प्रदेश की जनता की ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि जो काम करेगा वो जनता के बीच में बना रहेगा, जो परिवार बचाएगा, नामों को लेकर आगे चलेगा, तो वो उसको स्पष्टता के साथ ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी छोटे छोटे गठबंधन हमारे सामने बन रहे हैं वो स्वार्थी गठबंधन बन रहे हैं, जिसमें घोषणा होने के पहले ही डिप्टी सीएम की बात बन जाती है कि मैं डिप्टी सीएम लूंगा, मैं ये लूंगा, मैं वो लूंगा। तो कहीं ना कहीं ये जो स्वार्थ वाली जो छवि झलकती है ये विपक्ष की देन है। और जो प्रियंका गांधी जी की अगर हम बात कर ले तो प्रियंका गांधी जी को मैं स्मरण करा देता हूं कि उन्होंने जो कुछ दिन पहले जो एक बजट का ऐलान किया था वो यूपी के बजट से दुगने बजट के बारे में बता दी थी। तो कहीं ना कहीं उनको भी अभी होमवर्क करने की आवश्यकता है। और मैं आपको एक कम शब्दों में ये चीज भी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस को वहां पे अपनी मौजूदगी का एहसास कराना है, सपा को अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है, बीएसपी को अपनी जमीन को तलाशना है, सिर्फ भाजपा को सरकार बचानी है और विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाना है, जो हम कर रहे हैं। ठीक है, केतुरेड्डी जी आपके पास आना चाहूंगी। राहुल आनंद जी कह रहे हैं कि जो विपक्षी दल हैं जब एकजुट हो रहे हैं, ये जो गठबंधन विपक्षी दलों के बन रहे हैं ये मात्र स्वार्थ के लिए बन रहे हैं। देखिए किसान जी, राहुल आनंद जी को एक बात और बताना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन क्यों कर रही है, जिन दलों से वो गठबंधन वो गठबंधन क्यों करना चाहती है, और ऐसे दलों से गठबंधन करे जो लगातार सरकार को चुनौती देते रहे। निषाद पार्टी से इनका अलायंस है, निषाद पार्टी का एक स्टिंग हुआ, स्टिंग वो करे कि हमारे लोग जिंदा थाना हमारे लोग पूछते हैं और योगी से बड़े गुंडे हम हैं, ये स्टिंग में बात सामने आई उस दल से। उसके बाद स्टिंग होने के बाद उस दल से इन लोगों ने अलायंस किया। और अगर इनको विकास भरोसा होता, अपने काम पर भरोसा होता, तो आज जिस जनपद में देश के माननीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं मुस्कान जी, मैं उसी जनपद में हूँ, गोरखपुर में हूँ मैं। और आपको बता दूं कि पूरा प्रशासनिक हमला भैया, एक एक सरकारी कर्मचारी और 3000 सरकारी बसें लगाई गई हैं लोगों को लाने के लिए, और पिछले एक हफ्ते से उनके खाने और पीने का इंतजाम किया जा रहा है। अगर इतने विकास पुरुष इतना विकास किए हैं तो लोग इनको सुनने आते, लेकिन इनको लाना पड़ रहा लोगों को। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरठ में भी आज आदरणीय अखिलेश यादव जी की और जयंत चौधरी जी की रैली है, हमें पूरा भरोसा है इनके लाने से ज्यादा भीड़ वहां आएंगे लोग और उस सभा को सुनेंगे। लेकिन और जिस तरीके से पूरी मशीनरी तरीके से रैली है सपा और आरएलडी की, जो गठबंधन की रैली है, उसमें भी तो आप देखिए ना, आपके प्रतिनिधि जो है वो पिछले 3 से 4 दिन से है ना मेरठ में लोगों को इकट्ठा करने के लिए। देखिए मुस्कान जी, प्रतिनिधि हमारे कार्यकर्ता हमारे नेता हमारे साथी इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को, सरकारी मशीनरी नहीं इस्तेमाल हो रही है, सरकारी बसों का सरकारी पैसों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कोई विभाग भोजन तैयार कर रहा है, तमाम विभाग सरकारी बसों की व्यवस्था कर रहे हैं, और सीडीओ जैसा अफसर कोटेदार और प्रधान की मॉनिटरिंग कर रहा है कि हमको सूची उपलब्ध कराओ कि उस बस में कितने लोग आएंगे, उनका नाम पूरा विवरण इकट्ठा हो रहा है। यह है सरकार। अगर इनको अपने विकास पर भरोसा होता तो पूरी सरकारी मशीनरी के सारे भीड़ नहीं इकट्ठा करते। ठीक है, ठीक है ठाकुर जी आपके पास आना चाहूंगी। राहुल आनंद जी ने कांग्रेस पर भी ये तंज कसा है, जिस तरीके से लगातार महिलाओं को कांग्रेस अब साध रही है। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या महिलाएं जिस तरीके से आगे आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस में खुद प्रियंका गांधी जो हैं वो लगातार महिलाओं को पर बातचीत करती नजर आ रही हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं इस तरीके का नारा उन्होंने दिया है, अब महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र उन्होंने जारी करने का ऐलान किया है, सिर्फ महिलाओं से क्या आप जनाधार बना पाएंगे? बिल्कुल जनाधार बनेगा मुस्कान जी, मैं बताना चाहता हूँ
कि उत्तर प्रदेश लखनऊ से हमारे हमारी कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ और भी परिचित लोग हैं, वो जो वो महिलाएं हैं वहां से कह रही हैं कि प्रियंका गांधी में मुझे इंदिरा गांधी की छवि दिखती है और लगता है कि उससे पहले उत्तर प्रदेश फिर देश का कमान वो संभालेंगी और इससे देश का कल्याण हो पाएगा। इसलिए प्रियंका गांधी में वहां की महिलाओं को काफी विश्वास है, जहां जहां जाती हैं प्रियंका जी उनके साथ महिलाओं की फौज लगी रहती है। और इस बहाने और जो यूनिवर्सिटीज की लड़कियां हैं, जो छात्राएं हैं और भी जहां जहां गरीब बच्ची हैं, सब सबको उन पर भरोसा है। तो प्रियंका जी को लगता है कि हम क्यों नहीं महिला जी महिलाओं के साथ चल करके करें, और फिर तभी तो चुनाव का घोषणा बाकी है। जब चुनाव चुनावी घोषणा पत्र जब जारी होगा उसके बाद तो फिर देखेंगे आपकी कितनी बढ़िया से प्रियंका जी को लोग आगे लाएंगे। वहां पर एक अच्छे नेता की तलाश है उत्तर प्रदेश में, चूंकि योगी जी के समय जितना भी भय भूख और भ्रष्टाचार से लोग डरे हुए हैं, जितना भ्रष्टाचार वहां बढ़ा हुआ है उसका लोग समाधान खोज पा रहे हैं, और कौन जाएंगे। अखिलेश जी का उन्होंने देखा है, अखिलेश जी का शासन क्या रहा नहीं रहा वो तो अलग चीज है, लेकिन एक महिलाओं में जो एक नेता की तलाश थी वो आज प्रियंका जी वहां उभरी हुई है और उनको लोग देख रहे हैं एक अच्छे नजर से। ठीक है, भय भूख और भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल में, ये बात सीके ठाकुर जी ने कही है राहुल आनंद जी। देखिए मैं बताना चाहूंगा हमारे दोनों मित्र को जो बैठे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भय का जो माहौल बना है तो बिल्कुल बना है, मैं आपकी इस बात से ना नहीं कहता हूं, लेकिन उनके लिए बना है जो अपराधी हैं, जिसको संरक्षण वहां के लोग देते थे, इनके लिए भय का माहौल तो जरूर सुनिश्चित किया गया है। और बजरंगबली की तरह समुद्र पार करने के लिए हमने जो इच्छा शक्ति का जो पुलिस का स्मरण कराया था, इसी की वजह से वो भय बना है कि अगर आप सर्वाधिक संपत्ति को कैप्चर करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार की गोलियों का शिकार होंगे, तो ये तो भय बना है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। आपने बात की भ्रष्टाचार को लेकर, तो मैं आपको इस चीज के लिए भी विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमारी सरकार में जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, और आपने देखा होगा कि हमने बार बार नजर बना रखा है सारी परिस्थितियों के ऊपर कि कौन क्या कर रहा है। पहले कभी कोई जब मंत्री आता था, कोई खास मंत्री आते थे तो मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़कर उड़ जाते थे, अब वो माहौल नहीं रहा। जो टिकट टोकने की जो बातें थी, लोग भी समझ चुके हैं कि अगर कोई अधर्मी है तो धर्म की रक्षा करने के लिए कोई ना कोई जरूर आता है और वही प्रदेश को आगे बढ़ाता है। हमने जो प्रदेश को आगे बढ़ाने का जो कारवां बनाया था, उस कारवां को पेपर लीक का मामला हुआ, उसमें आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति कहां थी? फिर एक नई कंपनी को आपने ठेका दिया, तीन तीन चार चार प्रिंटिंग प्रेस से आपने पेपर छपवाए, कहां थी आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास राहुल आनंद जी इस सवाल के साथ और चर्चा इस पर करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो यूपी के रण में जिस तरीके से तमाम नेता जो है वो दौड़ लगा रहे हैं और सभी उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं का रुख एक बार फिर से करते हैं। जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे राहुल आनंद जी, पांडे जी उसमें कुछ कहना चाह रहे थे। पांडे जी, राहुल जी अपराधियों के भय की बात कर रहे हैं। जिस जनपद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं वो जनपद का नाम है गोरखपुर। यहां महेंद्रनाथ शुक्ला जी का एक परिवार है जिसके 17 वर्षीय बेटे को दिन दहाड़े चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई, और वो इतने भयभीत है कि वो अपने घर पे पलायन के लिए बोर्ड लगाए हुए हैं कि हम अपराधियों के डर से पलायन कर जाएंगे। ये राहुल आनंद जी को देखेगा। उसी जनपद में एक व्यापारी की पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई पीट पीट करके, ये अपराध राहुल आनंद जी को नहीं दिखेगा। और जिस भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, कोरोना काल के दौरान उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर में किस तरीके से मनमानी दरों पे खरीदारी हुई, जिसकी लगातार शिकायत करने के बाद भी महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा या उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया, कोई भी जांच नहीं कराई गई, और जिस तरीके से पर्चे लीक हो रहे हैं, और जो सबसे लेटेस्ट पर्चा टीटी का लीक हुआ, वो जो गोदाम का पता था जिसको 23 करोड़ का ठेका दिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने पर्चा छापने का, वो बियर का गोदाम है वहां जहां पर्चा रखने का पता दिया था प्रेस छापने वाले ने,
ये उत्तर प्रदेश के अफसरों की और उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। ये राहुल आनंद जी को उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं दिखता, उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं दिखता, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक भी नियुक्ति नहीं कर पाए, 7-8 पर्चे यूपीपीसीएल हो, टीटीओ, शिक्षक भर्ती हो, तमाम पर्चे सारे एग्जाम करा करके लीक कर दिए जा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करिए सरकार। और इस बार इस उत्तर प्रदेश के अंदर किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगारी हो, कोरोना काल में जो व्यापारियों पे संकट था, जिसकी दुकानें बंद रहे, उससे भी बिजली के बिल और लिए गए, इन सब समाज के लोगों ने मन बनाया है परिवर्तन का। और इससे भयभीत थी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भयभीत हैं। देश की नहीं, अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाले लोग आज सरकारी मशीनरी के सहारे भीड़ जुटाने में लगे हैं। और उसके बाद भी मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि इनसे बड़ी रैली आज मेरठ के अंदर समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी जी की होने जा रही है। ठीक है, रैली जब होगी वो तो देख लिया जाएगा कि कौन सी रैली कितनी बड़ी होगी। लेकिन सीके ठाकुर जी, आपके पास आऊंगी, जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कर रहे हैं राहुल आनंद जी, आप क्या कुछ कहेंगे जीरो टॉलरेंस पर? देखिए, वहां कुछ भी नहीं है, जीरो टॉलरेंस कुछ भी नहीं है। ये योगी जी सब हवाई सिर्फ और सिर्फ उनकी राजनीति कहां टिकी हुई है, सिर्फ राम के सहारे वो नैया पार लगाना चाहते हैं, कहीं कुछ भी नहीं कर पाए। भ्रष्टाचारियों को और बढ़ावा दे रहे हैं, जाति 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 प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं और गरीब होते जा रहे हैं उनके राज्य में, कहीं कुछ भी उनके शासन में नहीं हो पा रहा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का गोरखपुर में जो 10,000 करोड़ का उर्वरक फैक्ट्री और अन्य फैक्ट्रियों का जो तोहफा देने जा रहे हैं, यह सब लॉलीपॉप है। इस लॉलीपॉप को जनता समझ गई है। और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देखे होंगे पिछले कई चुनाव से, कई राज्यों में जब जाते हैं ये घोषणा लेकर के, उसके बावजूद भी चुनाव वो हार जाते हैं। क्योंकि बिहार में भी जब चुनाव था, ठीक है, बिहार में कहीं ना कहीं कुछ उलटफेर होकर के जो पोस्टल बैलेट था, पोस्टल बैलेट में धोखाधड़ी करके वो नीतीश कुमार जी सरकार बना पाए। उसी ढंग से उत्तर प्रदेश में पूरी विपक्ष जो है एक है, कांग्रेस भी अपने आप में है, मुझे लगता है कि मिला जुला करके सरकार जो है हम लोग की बनेगी, कांग्रेस की बने, सपा की बने, हम लोग दोनों की सहभागिता बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लोग नहीं लाइक कर रहे हैं, बिल्कुल वहां लोग नहीं, योगी का नाम नहीं सुनना चाह रहे। गठबंधन की बात कर दी आपने, तो कह दिया कि सपा के साथ आप सरकार बनाएंगे, लेकिन सपा प्रवक्ता तो हंस रहे हैं पांडे जी। सपा के साथ पोस्ट, देखिए पोस्ट इलेक्शन हो सकता है हमारी सरकार आपके पास। पांडे जी, गठबंधन की बात कर रही है कांग्रेस आपसे। अब देखिए, ये तो चुनाव के बाद क्या होगा, ये तो चुनाव के बाद की स्थिति पे डिपेंड है। लेकिन एक बात जरूर स्पष्ट है चुनाव से पहले, कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम उत्तर प्रदेश के छोटे दलों से गठबंधन करेंगे। चुनाव से पहले कांग्रेस से या बहुजन समाज पार्टी से कोई गठबंधन का इरादा समाजवादी पार्टी का नहीं है और न होने जा रहा। चुनाव के बाद परिस्थितियां क्या आएंगी ये देखा जाएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी और छोटे दल का अलायंस पूर्ण बहुमत के साथ 2022 में सरकार बनाने जा रहा है। ठीक है, नकार दिया है सीके ठाकुर जी आपके गठबंधन की रिक्वेस्ट को उन्होंने। मैंने कहा पोस्ट पोस्ट इलेक्शन, इलेक्शन के बाद की जो रणनीति होगी उस पर मैंने कहा कि सरकार जब भी बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की अब नहीं बन सकती है, क्योंकि योगी को पूरी तरह से जनता ने नकार दिया है। माननीय योगी जी का जो कारनामा है, या जो ये जो अजय मिश्रा टैनी जी का जो कारनामा रहा है, आज भी किसान वर्ग से आने वाले लोग काफी नाराज हैं योगी जी से, कि उन्होंने आज तक इस्तीफा नहीं दिया, किसानों को धमकी दे करके जो एक टेरर था, उसी मुझे लगता है उसी जनपद से आते हैं, शायद गोरखपुर के आसपास से ही आते हैं वो, बस्ती से शायद, तो जो उनका टेरर आज भी दिख रहा है, उनको गिरिराज मंत्री बना करके रखे हैं। ये सब समीकरण बना करके लोग, जनता देख रही है कि मुझे बिल्कुल ही योगी जी को नहीं लाना है, चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले। ठीक है, वो तो खैर वक्त बताएगा और चुनावों के नतीजे बताएंगे कि योगी जी आएंगे या नहीं। लेकिन राहुल आनंद जी, आपके पास आना चाहूंगी, जीरो टॉलरेंस की आप बात कर रहे थे, तमाम दोनों ही प्रवक्ताओं के, कांग्रेस नेता और सपा से प्रवक्ता के जवाब आपने सुन लिया, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? मैं इन दोनों लोगों के विचार को सुन रहा हूं। इन लोग अपनी बातों से सिर्फ योगी जी को रोकेंगे, लेकिन असली बात तो जनता करेगी ईवीएम पे बटन दबाकर। और मैं आपको मुस्कान जी इस चीज के लिए भरोसा दिलाता हूं कि जल्दी ही ईवीएम फिर से लज्जित होने वाली है,
कि इन्होंने फिर से बेमानी कर सरकार बना ली, जो अभी थोड़े देर पहले सीके ठाकुर साहब ने कहा। लेकिन जब इनके सत्ता की जब सरकार बन जाती है, अभी वेस्ट बंगाल ही ले लेते हैं, तो उस समय ईवीएम ठीक रहता है और पोस्टल बैलेट पेपर भी ठीक होता है। खैर, चुनाव में हार और जीत तो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि किसको वो पक्ष और किसको वो विपक्ष में रखने का मौका देती है, लेकिन नेतृत्व हम दोनों में ही बहुत अच्छा करते हैं। दूसरी बात, जो सपा के जो त्रिपाठी जी बोल रहे थे कि लोगों को इकट्ठा किया जा रहा, सरकारी गाड़ियां भेजकर बुलाई जा रही है, तो मैं आपको बता देता हूं, कभी भी सामाजिक संपत्ति का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और कभी भी पीएम का जब रैली होता है ना, तो बिल्कुल सीईओ, डीएम और जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं, उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कैसे उस कर्तव्य का निर्वहन करें, ताकि कहीं से कोई भूल चूक ना हो सके। जब योगी और पीएम विश्व में हिट लिस्ट में रहने वाले लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोगों की निगाहें उनके ऊपर जरूर होंगी, उनको जो उनको क्षति पहुंचाना चाहते हैं। तो आगामी चुनाव में पता चल जाएगा कि किसकी निगाहें किस पर टिकी है और क्या समीकरण बन रहे हैं। मैं लौटूंगी एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनावी रणनीति कर रहे हैं, तो हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मैं सीके ठाकुर जी आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल मैं आपसे जानना चाह रही थी कि क्या कांग्रेस महिलाओं के आधार पर जनाधार बना पाएगी उत्तर प्रदेश में? कहीं तो उनको लगा कि यहाँ पे महिलाओं का काफी डिमांड है, महिलाएं चाहती है कि एक महिला यहाँ पे मुख्यमंत्री बने, महिला यहाँ पर लीडिंग करे, ताकि महिलाओं का समाधान हो सके। इसलिए हम लोग महिलाओं के साथ, हमारा अपना कैडर वोट भी है, हमारे लोग हैं। मैं समझना चाहूंगी ठाकुर जी आपसे, आपने कहा कि महिलाओं की डिमांड है यहाँ पर, इसलिए हम महिलाओं के साथ है, यानी कि आपको जनता के लिए कुछ नहीं करना है, जिसकी डिमांड होगी आप उसके लिए काम कर रहे हैं। महिलाएं भी जनता ही है, महिलाएं भी जनता ही है, जनता में सब आते हैं। बात हुई आपकी, महिलाओं की डिमांड है तो इसलिए हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। महिलाओं का डिमांड है कि एक महिला चीफ मिनिस्टर भी बने यहाँ से, मुझे लगता है कि लोग उनको लाइक कर रहे हैं, ये मैंने कहा। ठीक है, अपनी बात पूरी करें। तो अब वहां पे चूंकि भारतीय जनता पार्टी के राज में, माननीय योगी जी के शासन में जितना कुछ हुआ, लोग वहां त्रास्त हैं, लोग नहीं चाहते कि पुनः योगी जी की सरकार बने, पुनः योगी जी की सरकार बने, क्योंकि जो उन्होंने देखा वहां पे, जो तांडव देखा लोगों का, अपराधियों का शासन है वहां पे, अपराध के जो ग्राफ वहां पे बढ़े हैं, जो लोग भूखे की संख्या बढ़ी है, कोरोना काल में जो उन्होंने अपनी पीड़ित स्थिति को देखा है, चाहे वो बनारस हो या फिर गोरखपुर हो या फिर पूरे हिंदुस्तान में वह माहौल था, लेकिन सबसे अधिक लखनऊ में लोग तबाह थे। तो ये सब चीज को देख करके लोग समझ रहे हैं कि योगी जी सक्षम व्यक्ति नहीं है उत्तर प्रदेश के शासन में, इसलिए उनको बदलना चाहते हैं। और प्रियंका जी चूंकि सभी एंगल से सक्षम है, वो देख लोग वहां चाहते हैं कि प्रियंका जैसा व्यक्तित्व इस राज्य का एक बार मुख्यमंत्री बने, ताकि हम वहां पर सब कुछ कर सकें। कह रहे हैं कि सीएम योगी को कोई सक्षम देख नहीं रहा है, इसलिए अब जनता विकल्प चाह रही है। देखिए, मैं योगी जी की, माफ कीजिएगा, मैं सीके ठाकुर साहब के बात से बहुत ज्यादा मतभेद नहीं रखता हूं। मैं इनको बस डाटा की बात कर लेते हैं, फिर मैं इनको बताता हूं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, देश की अर्थव्यवस्था में दूसरा स्थान है, 4 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी है, और बेरोजगारी की दर जो 2017 में 17.5% थी, वो 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, 20 का भी छोड़ दीजिए, 21 का बात कर रहा हूँ, 4.1 पर हो गई है, यानी कि रोजगार सृजन हुए हैं, रोजगार का मौका लोगों को मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा 2.41 करोड़ किसानों के खाते में 27,286 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। 4 नए एक्सप्रेसवे, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 10 शहरों में मेट्रो रेल परियोजना, 2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण, 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार। अगर ये करने के बाद भी अगर कोई ये कहे कि योगी जी सक्षम नहीं है, तो फिर माफ कीजिएगा, तो सक्षम का परिभाषा क्या होता है? मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं जो मैं गिना नहीं पा रहा हूं, और मैं आपको एक चिप विश्वास के साथ कह रहा हूं, मैं जो ये आंकड़े बताया हूं, मैंने अपने मन के आंकड़े नहीं बोले हैं, मैं ये डाटा रखकर सामने जो प्रकाशित हुए थे 19 मार्च 2021 का, और एक है 29 सितंबर 2021 का। तो इसमें अगर मैं आपके सामने इन सारी बातों को पढ़ना शुरू करूंगा, तो हो सकता है कि मेरे पास शब्द कम पड़ जाए।
वो अगर कोई ये कहता है कि विकास, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो तरह की लड़ाई है, एक है परिवारवाद, दूसरी है काम पे। तो हम काम को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, यही बेचैनी का कारण है कि ये सब लोग एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने परिवार के विकास के लिए और अपने आप को बचाने के लिए खास करके लोग इस प्रकार की बातें और मनगढ़ंत बातें कर रही हैं। लेकिन आज का वोटर समझदार हो चुका है, वो समझ चुका है कि वो उसको किसके साथ रहना है। जो अगर हम थोड़ी देर के लिए बात कर लेते हैं गन्ना किसानों की, ये कहते हैं किसानों को पैसा नहीं गया है, तो मैं आपको भरोसा दिला देता हूँ, बता देना चाहूंगा कि 3.77 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में बढ़ोतरी की गई है। बुंदेलखंड में 19,428 खेत तालाबों का निर्माण किया गया है। 2,177 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं। और जो खास करके जो गन्ना किसानों को लेकर ये बातें करते हैं कि गन्ना किसानों को उन्होंने छोड़ दिया, कुछ नहीं है, तो उनको भी रिकॉर्ड तोड़ पैसे दिए गए हैं उनके खाते में, ताकि वो संतुष्ट हो सके। ठीक है राहुल आनंद साहब, ठीक है सीके ठाकुर जी आपके पास आना चाहूंगी। जो राहुल जी ने अभी आंकड़ा दिखाया है वो भारतीय जनता पार्टी के जो विज्ञापन है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आंकड़ा आपने दिया है, ये माननीय योगी जी के जो दफ्तर है उनसे ये आंकड़ा दिया गया है, लेकिन जब जमीनी हकीकत में जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और चूंकि जनता के अदालत में अब जाना है हम लोगों को, तो अब जनता ही जवाब देगी उसका, हम लोग क्या करें उसमें। इसलिए आंकड़ा जो भी पेश कर लें, लेकिन जनता को दिख रही है आप जहां अलायंस करने जा रहे हैं वो आप समझिए कि जो निषाद पार्टी है उसका क्या वहां का वर्चस्व रहा है, किस ढंग से वो अपना कार्य करते हैं, उसकी क्या दक्षता है, अपराधों के जगत में आप लोग सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग सबको साथ दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि माननीय गृह राज्य मंत्री जी वो जो अपने आप को प्रदर्शित किए हैं कि हम एक बहुत बड़ा क्रिमिनल भी हैं, किसानों के साथ आपने जो किया, किसान भी देख रहा है हर चीज को, हर घर में किसान बैठा हुआ है, तो ये सब आंकड़ा बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या होना है। राहुल जी तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या होना, और ये बात तो देखिए ठीक है, जो आपने आंकड़े बताए वो आपने सरकारी आंकड़े बताए हैं, जमीनी हकीकत कुछ और भी हो सकती है। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं सरकार की जो चलाई गई है सरकार द्वारा, लेकिन उनका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। देखिए कभी भी किसी भी विकास की अगर धारा को आप प्रज्वलित करती हैं या बहाती हैं तो वो कहीं ना कहीं वो अंतिम पायदान तक पहुंचनी चाहिए। और हमने सबसे पहले सरकार में आने के बाद हमने डीबीटी का प्रक्रिया को चालू किया, और आज मैं इस चीज को आपके साथ जरूर स्वीकार करूंगा कि हो सकता है कोई इनसे वंचित रह गया हो, लेकिन किसी को नहीं मिला है ये कहना गलत होगा। मैं पूरे जो 23 करोड़ की जनता है, देखिए एक ही योजना की बात कर लेते हैं, जो योजना है जिसमें जो गृहणियां हैं उनको एलपीजी सिलेंडर दिए जाते हैं। अब जब एलपीजी सिलेंडर को दिए जा रहे हैं, बावजूद इसके एलपीजी सिलेंडर जब इतने ज्यादा महंगे हो गए हैं तो वो एलपीजी भरवाएंगे कहाँ से, सिलेंडर भरवाएंगे कहाँ से? वो जो लोग हैं वो जो अपना चूल्हा चौका छोड़कर एक बार जो गैस सिलेंडर पर आए थे वो वापस फिर से अपनी अंगीठी पर आ गए हैं। अब मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि सरकार के द्वारा समय समय पे बहुत सारी योजनाएं क्रियान्वित की जाती है और उस माध्यम से कि उनके खाते में पैसे डाले जाते हैं, और उस पैसे का इस्तेमाल वो सिलेंडर भराने भी में कर सकते हैं, अपनी जीविका भी में कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो पैसे बहुत हैं, लेकिन हम प्रयास तो कर रहे हैं। दूसरी बात कि अभी के समय में अगर देखा जाए तो आय भी लोगों की बढ़ी है, तो अगर आप जो सरकारी सुविधाएं जो मिलती हैं, जैसे कि अगर उनको अनाज नहीं खरीदना पड़ता है तो कुछ जो पैसे की उनकी बचत होती है तो उसे वो सिलेंडर ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको अगर हम बैठे चर्चा करें तो इसका समाधान निकलता है। ठीक है सीके ठाकुर जी, तमाम बातें आपने सुनी, राहुल आनंद जी की आपकी प्रतिक्रिया। सिलेंडर की बात आपने उठाया, सही किया आपने, सिलेंडर जब एक बार महिलाओं के हाथ में जाता है उसके बाद भराने के उसके पैसे नहीं होते हैं, पुनः वो सिलेंडर बाजार में बिक जाता, फिर बाजार से उठ करके फिर वहां जाता और फिर उनको नए ढंग से दिया जाता है कि आप ये सिलेंडर लीजिए, नया सिलेंडर आपको मिल रहा है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो इस ढंग से ये जो रोटेशन हो रहा है ना, ये सब चुनावी गणित होता है, चुनावी राजनीति होती है, ये बिल्कुल किसी का कल्याण होना नहीं है। दूसरी बात है कि एजुकेशन का सिस्टम बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि जिस बच्चे को, देखिए गरीब लोगों को ये जो योजनाएं हैं ये जनता तक पहुंच नहीं पा रही है, ये ध्वस्त योजनाएं हैं। ठीक है योजनाएं तो शुरू हुई, कुछ लाभ तो मिला, लेकिन जो फिलहाल की स्थिति है वो तो चलिए आगामी विधानसभा चुनावों में पता चल जाएगा कि किस तरीके की स्थिति है, लेकिन फिलहाल बीजेपी कुछ तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया था अपने कार्यकाल में?
फिलहाल मेरे पास समय की कमी है, इसलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ पांडु जी भी जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।